विशाल जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। आप बताइए कि क्या कुछ माहौल है आज का, आज क्या कुछ शूट होने वाला है, कुछ आज? बस यही है, डिजिफ्लिक्स टीवी का हमारा और एक विजन कंप्लीट हो रहा है। हमारे डायरेक्टर मिस्टर राज वर्मा, मिस्टर तरुण खन्ना जो हमारा रिनाउंड एक्टर है, बस एक विजन हम लोग और एक क्रिएट कर रहे हैं ऑडियंस के लिए, दर्शक के लिए। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग इसको बहुत बढ़िया से इसको पब्लिश करो, प्रमोशन करो डिजिफ्लिक्स टीवी को, दैट्स इट। जी सबसे पहले तो मैं डिजिफ्लिक्स को बहुत बधाई देता हूँ कि ये लोग मार्केट में उतर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक ये इनका इनिशिएटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बताई नहीं जा रही हैं। डिजिफ्लिक्स ने ये इनिशिएटिव लिया है उन स्टोरीज़ को आगे रखने का, नए और पुराने टैलेंट को शोकेस करने का। एंड आई थिंक ये अगले एक साल बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो डिजिफ्लिक्स जो है जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे उनमें आपको शीर्ष पर दिखाई देगा। सर, गीशा में हमें क्या अलग देखने मिलेगा अदर वेब सीरीज के? देखिए, गीशा कौन है पहले तो ये जान लीजिए। गीशा एक शब्द है जापानीज भाषा का। अब गीशा एक ऐसी महिला के बारे में हम कहा जाता है जो कि जिस्म फरोशी करती है। गीशा कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता है और ये एक ऐसा उलाहना है या ऐसी तोहमत है या ऐसी गाली है दुनिया में जो कि किसी को पसंद नहीं है इससे एसोसिएटेड होना। लेकिन फिर भी इसके बारे में एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है कि दुनिया का सबसे पुराना धंधा है ये, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है ये। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समाज इसको स्वीकृति देता होगा, तभी तो ये प्रोफेशन इतने सालों से चला आ रहा है। बाकी सब चीज़ें बाद में बननी शुरू हुई, खेती बाड़ी से भी पहले का प्रोफेशन कहते हैं इसे, तो आप सोचिए कि कितना पुराना होगा। इसका मतलब है हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो समाज खुलकर नहीं सामने लाता है, लेकिन उसके बावजूद दे एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। दैट इज व्हाई दिस प्रोफेशन इज थ्राइविंग एंड कंटिन्यूइंग फॉर सो मेनी इयर्स, सो मेनी सेंचुरीज। सर, आप कौन सी भूमिका निभाने वाले हैं? जी, मैं इसमें इंस्पेक्टर राजवीर शेखावत की भूमिका निभा रहा हूँ, जिसे निर्देशित कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब राज वर्मा जी। सर, कैप्टन आप सीखे, आप तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना वर्कशॉप करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि जैसा कि बताया कि ये एक ऐसी गाली है जो कि कोई सुनना नहीं चाहता, चाहे वो जिसे भी जो भी जिसके ऊपर भी। ठीक है, कितना चैलेंजिंग था, कितना वर्कशॉप करना पड़ा पूरी टीम के साथ में? एंड नाउ अगर आप कुछ बता सकें, आज का क्या शेड्यूल है, आज की शूटिंग होने वाली है, या क्या कुछ है, आपसे जानना चाहेंगे? वर्कशॉप है तो हमने जो हमारा जो रोल कर रही हैं, गीजा का इंग्लिश वर्ड है स्कॉट, तो जो उसमें हमारी लीड कर रही हैं मालवी मल्होत्रा तरुण जी के साथ और अमन जी के साथ, तो मालवी के साथ हमने कुछ वर्कशॉप्स किए थे क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा सा अलग था। तरुण जी के साथ भी हम लोग दो दिन काम कर रहे थे इसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, और आज हम शूट कर रहे हैं। वो कैरेक्टर है अमन सर का है, अमन वर्मा, और मालवी के बीच एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप बनता है, उस बारे में वो सारी चीज़ें आज हम शूट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जो कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग शुरू करेंगे। सर, आप OTTP की ये वेब सीरीज लॉन्च करना चाह रहे हैं? होता क्या है कि कुछ कहानियाँ होती हैं जो हम 150 एपिसोड लेके नहीं जा सकते, कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमारे टीवी चैनल पे नहीं बनती, और फिल्म बनाने में और फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स ढूंढो, तो डिजिफ्लिक्स टीवी ने एक मौका दिया मुझे इस कहानी को। जब मैंने नरेट किया उनको, तो डिजिफ्लिक्स टीवी ने मौका दिया, उनको कहानी अच्छी लगी, तो ये कहानी मैंने लिखी, पूरी कहानी मैंने सुनाई डिजिफ्लिक्स क्रिएटिव टीम को, जो ओनर्स हैं उनको, उनको पसंद आई। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इसके ऊपर एक अच्छी वेब सीरीज बनाते हैं, और आजकल क्या है, वेब सीरीज में आपको खुल के अपनी बात कहने का मौका मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर वेब सीरीज बना रहे हैं। और डिजिफ्लिक्स टीवी एक बार मार्केट में आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या, किस तरह का कॉन्टेंट लेके आ रहे हैं, कितने डिफरेंट कॉन्टेंट्स हैं, हर
हर सारी नई कहानियां हैं उसके ऊपर। बस तरुण जी, यू नो ऐसी चीजें करने के लिए कितना वर्कशॉप करना पड़ता है, आज आपका क्या सीक्वेंस शुरू होने वाला है अगर आप बता सर? वर्कशॉप 17 साल से कर रहा हूं। तो है सर। जब से एक्टिंग कर रहा हूँ ना, वर्कशॉप ही चल रहा है। तो 17 साल से मैं अपने आप को न्यूकमर ही मानता हूँ और न्यूकमर आज भी हूँ। आप इनसे पूछिए, जब भी मेरा सीन होता है मैं एक न्यूकमर की तरह ही, ये भी हमारे एक न्यूकमर है इसमें हमारे साथ में बहुत अच्छे द्विवेदी साहब जबलपुर से हैं, मैं एक न्यूकमर की तरह ही हर चीज़ को अप्रोच करता हूँ। तो जैसे मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है, मैं ये मानकर चलता हूँ, इससे पहले मैंने क्या किया मैं सब भूल चुका हूँ। तो आज मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि राजवीर शेखावत जो मेरे किरदार का नाम है उसको जब लोग देखें तो उन्हें नया क्या, पुलिस वाले तो हजारों बन चुके आज तक, हर किसी ने इट्स बीन डन टू डेथ, तो नए तरीके से पुलिस वाला कोई कैसे दिखा सकता है? क्या ये करप्ट है, क्या ये नॉन करप्ट है, क्या ये ठरकी है, क्या ये नॉन ठरकी है, क्या ये मिलनसार है या अखड़ है, खड़ूस है, कैसा है? तो क्यों नहीं सब चीज़ें एक साथ हो सकती किसी आदमी के अंदर, क्योंकि हम सब भी ऐसे ही होते हैं। आप भी हो सकता है किसी के साथ में बदतमीजी से बात करते होंगे, कई लोग आपको देवता मानते होंगे, आपकी मम्मी को आपको सबसे प्यारे लगते होंगे, किसी लड़की को शायद आप अच्छे नहीं लगते होंगे, किसी को पसंद भी आते होंगे। हर आदमी के साथ में अलग अलग इक्वेशंस होती हैं हर आदमी की। मेरा काम यह है कि जब व्यूअर्स मुझे देखें तो उनको वो सारी इक्वेशंस ना हर किसी के साथ में नज़र आ जाए। किसी के साथ में मेरा इसमें प्रेम संबंध है, किसी के साथ में इसमें मेरा गुस्से और लातों का संबंध है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जब मैं उनको करके दिखाऊं तो लोगों को स्वाभाविक लगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इन्होंने सर ने जो एक बात कही है, इन्होंने मैम ने सवाल पूछा था, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कुछ। ये हम कहानियाँ OTT पे इसलिए सुनाते हैं क्योंकि एक शब्द है पार्लियामेंट्री, तो हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए टेलीविज़न पे कई चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन OTT थैंकफुली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आई लव यू बोलते हुए एंड में एक मन में गाली भी दे दोगे ना साथ में, तो उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ गाली देने को, लेकिन हम जब आम ज़िंदगी में बात करते हैं तो मुँह से अपशब्द निकल जाते हैं कई बार, लेकिन जब हम TV पे मतलब जो नेशनल चैनल्स हैं उन पर जब देखते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ OTT में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं है। तरुण जी आपसे तो जानना ही चाहूँगा, लेकिन विशाल जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि तरुण जी ने कहा एंड गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी अब रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं कि जितने भी अब OTT प्लेटफॉर्म है अब उन सब पर भी सेंसर लगेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर फ्रीडम होती है, लेकिन अब उस फ्रीडम पर कैची लगेगी कि ऐसे वर्ड नहीं यूज करना है, ये दिखाना है, वो नहीं दिखाना है, इस तरह की लैंग्वेज। सो आप बताइए कि एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर, सब सारी चीज़ें क्योंकि आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं आप कि क्या OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप होनी चाहिए? डिजिफ्लिक्स TV एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे, टोटली अदर्स OTT से हमारा जो डिजिफ्लिक्स TV जो है वो टोटली डिफरेंट चैनल है। यहाँ पर जो हम भाषा को चुनते हैं, क्योंकि हम पहले तो कहानी को चुनते हैं, कहानी जब कहानी का अगर डिमांड होगा कि उसमें गाली देना है, कैरेक्टर का डिमांड है, कहानी का डिमांड है, हम उतना ही लेवल तक दिखा रहे हैं जहाँ पर ना हमारा डिजिफ्लिक्स TV में, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई भी पॉलिसी में जो हमारा जो सेंसर जो लगाने वाली है, हम उस लेवल का आदर्श OTT जैसा नहीं बना रहे हैं। हमारे कहानी के डिमांड के हिसाब से, कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से जितना पब्लिक को पसंद आए हम उतना ही हम लोग हमारे वेब सीरीज में, हर एक वेब सीरीज में हम वही दिखाएंगे। अमन वर्मा को ले ये बड़ा अच्छा एक्टर है यार, अच्छा कमाल कर दिया यार, इतना अच्छा एक्टर है क्यों नहीं लेंगे उसको? सर यही जो रोल में बड़ा अच्छे फिट कर रहे हैं। हां क्योंकि वो डायरेक्टर की डिमांड रहते हैं ना कि रोल में फिट होता है या नहीं होता है। क्योंकि एक तो राज वर्मा डायरेक्टर का उनका डिमांड था, चैनल ने उसको पूरा करके दिखा है। अब अमन वर्मा को क्यों लिया गया है वो डायरेक्टर साहब ही बता सकता है। एक्चुअली ये अमन जी का जो कैरेक्टर है वो एक फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन का कैरेक्टर है, तो जो पहला नाम ध्यान में आया था इस कैरेक्टर को लिखते हुए, क्योंकि मैंने कहानी भी मैंने ही लिखी है, तो वो अमन वर्मा का ही नाम था।
इसलिए हमने उनसे बात की, उनको नरेशन दिया, उनको भी कहानी पसंद आई, तो आज हम लोग सब साथ में शूट कर रहे हैं। सर आपका जो डिजिप्लिक्स है, इसमें कितने डायरेक्टर जुड़े हैं, कितनी फिल्मों के डायरेक्टर, कितनी फिल्में अभी तक आ चुकी हैं आपके पास में, और कितने लोगों से टाई अप हुआ है आपका? हमारा जो है डिजिप्लिक्स टीवी में नवंबर तक का हमारा टोटली स्लॉट बुक हो चुके हैं। इसमें रिनाउंड डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर को हम बहुत मिक्स एंड मैच करके हम दिए हैं। जैसा कि हमारे एक वेब सीरीज जो है उसमें लीजेंडरी डायरेक्टर पार्थ घोष जी हैं, उसमें रजनीश दुग्गल, उसमें राहुल देव जी, रुसलान मुमताज, इन लोग सब काम किए हैं। तो हमारा जो डिजिप्लिक्स टीवी का जो मेन विजन, जो मोटिव जो है, अपकमिंग डायरेक्टर उनको चांस देना है, उनको नई तरीके से उनको ऊपर लाना है। जब मैं डिजिप्लिक्स टीवी को जब मैं कोई इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि इस नए डायरेक्टर के साथ जाना है तो हम लोग मिक्स एंड मैच करके हम उसको प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। आप वेब सीरीज एक फिल्म की तरह शूट करें, काफी खर्चा करके काफी महंगा इसको बना रहे हैं, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डिजिप्लिक्स टीवी और हमारे चैनल के जो सीईओ निशांत अवस्थी जी है उनके साथ जब मैं मीटिंग करता हूँ, हमारा विजन एक ही रहता है कि हम किसी भी चीज पे, कहानी से लेके, क्वालिटी से लेके, एक्टर एक्ट्रेस से लेके, हम ना कंप्रोमाइज करेंगे। टू बी फ्रेंकली, ये एक डिजिप्लिक्स टीवी एक स्टार्टअप कंपनी है। उस स्टार्टअप चैनल के लिए जो इस विजन के साथ जो एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो करना है, बड़े कहानी को चुनना, फिल्मों को जरा शूट करना, वो हमारा डिजिप्लिक्स टीवी का मेन विजन है। और क्या कह सकते हैं सर, वेब सीरीज की शुरुआत हुआ सेक्सुअल कंटेंट से हुआ था, लोग देखते थे अरे वेब सीरीज है, तो उसके बिना शायद जिंदा रहना ही मुश्किल है। मानते इस बात को आप? हाँ, बिल्कुल। कि आप खाली धार्मिक ड्रामा दिखा के आप पॉपुलरिटी पा पाओगे, तो हम ये नहीं कहते, बड़े बड़े स्टार ने काम किया उसमें, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम, तो सेक्सुअल कंटेंट से क्या आप भी अनदेखा रहेंगे या फिर करेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए अभी जो कंटेंट, मैं पहले भी बोला है कि कंटेंट जो है हमारा डिजिप्लिक्स टीवी का यूएसपी है। हम ऐसे कंटेंट को चुनते हैं जहां पर एक्स्ट्रा, मतलब जहां कहानी का डिमांड नहीं है, कहानी का डिमांड नहीं है, फिर भी हम लोग उस कहानी में जबरदस्ती हम सेक्सुअल सीन डाल देते हैं। पर जहां पर लव मेकिंग की जरूरत पड़ती है, एक रियल कैरेक्टर की, जितना उतना हो सके हम उतना, हम हमारे चैनल पे भी उतना सा ही हम लोग दिखाएंगे, उससे जास्ती नहीं दिखाएंगे। आप लोग तरुण जी, वो मेरा सवाल कंटिन्यू था आपसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर की जो सेंसरशिप की बातें हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि सेंसरशिप लगेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपको ओटीटी जैसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपको एक बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है अपनी बात कहने का, अपनी कला प्रदर्शित करने का। अब आपकी जब अधिकार मिलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी चीज साथ में आ जाती है, आपकी ड्यूटी। आपको राइट्स मिलते हैं तो साथ में ड्यूटीज भी, हम सब बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज का एक चैप्टर होता है हमारी सिविक्स की किताब में। तो व्हेन वी गेट राइट्स, वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी आल्सो। जैसे दादा ने बोला अभी कि हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कंटेंट बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ टिटिलेट करने के लिए कभी सेक्सुअल कंटेंट नहीं डालेंगे। सेक्सुअल कंटेंट क्या होता है, पहले ये बात जानना जरूरी है। पोर्नोग्राफी इज सेक्सुअल कंटेंट, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के, मैं अगेन सर नाम नहीं लूँगा, बहुत ही रेनाउंड, जिनके की दुनिया जहान की कंट्रीज में, रशिया में या अमेरिका में या दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स में उनके नामों की तूती डंका बजता है, उन लोगों ने भी अपनी फिल्मों में कंटेंट ऐसा दिखाया है जिसे कई लोग सेक्सुअल कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन एस्थेटिक्स एक चीज़ होती है जो डिसाइड करती है, डिमार्केट करती है कि ये चीज़ अश्लील है और ये चीज़ एस्थेटिक है और आर्टिस्टिक है। हमारा बेंट आर्टिस्टिक है सर। सर थोड़ा सा अगर हटके एक सवाल पूछा जाए, अभी बिग बॉस आ रहा है तरुण जी, तो बिग बॉस चल रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप, देखते हैं? नहीं सर, मैं नहीं देखता। नहीं नहीं सर, उसकी शादी नहीं हुई थी, बस इसके आगे मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन काफी अच्छा खेल रहे हैं सर। अच्छा खेल रहे हैं, मैं ये शो देखता नहीं सर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं उस शो में बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जो शोज हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं करते सर। बिकॉज मेरा ये मानना, मैं एक एक्टर हूँ सर,
एक एक्टर का वो जो एक जमाना होता था, एक एक्टर के लिए ना लोगों का चार्म बना रहता था कि यार राजेश खन्ना के बंगले के बाहर राजेश खन्ना कभी, अमिताभ बच्चन आज भी देखो प्रतीक्षा के बाहर आते हैं तो क्या भीड़ जमा हो जाती है। क्या आप अमिताभ बच्चन को सुबह दंतमंजन करते हुए देखना चाहेंगे? क्या आप अमिताभ बच्चन सुबह उठ के आंखें मल रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संडास में जाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं किसी के साथ, ये तुमने झाड़ू क्यों नहीं मारा, ये सब देखना चाहेंगे? नहीं, इनकी एक गरिमा होती है और वो गरिमा बड़ी मेहनत से, बड़ी सालों की मेहनत से, और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल पूजा करनी पड़ती है सर अपने प्रोफेशन की, तब जाके उस स्टेज पर पहुँचते हैं। जिसे कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कि सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए कई लोग उसको दाव पर लगा देते हैं। आई डोंट थिंक सर कि मैं उस लेवल पर उतरना चाहूँगा कभी भी कि जहाँ लोग मुझे उस लेवल पर आते हुए देखें। मैं एक एक्टर हूँ, मेरी एक्टिंग देखिए, मैं अलग अलग किरदार निभा सकता हूँ। हो सकता है तरुण खन्ना बहुत बोरिंग आदमी हो, तरुण खन्ना को देख के आप क्या करोगे? आप वो किरदार देखिए ना जिन्हें ये डायरेक्ट करने वाले हैं और जिन्हें ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। आपको अपना इस तरीके से देखिए, आपको मैं एक ऐसी स्टेज पे डाल दूं जहां आपको चार दिन खाना ना खिलाऊं, या आपको जानबूझ के मैं बाथरूम ना जाने दूं, या आपको मैं जानबूझ के धूप में 15 घंटे खड़ा करूं, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में आके कोई भी एक्सट्रीम तरीके से बिहेव करेगा तो वो उनकी रियल पर्सनैलिटीज तो नहीं हुई ना सर। दोज आर डॉक्टर्ड सिचुएशंस। डॉक्टर्ड सिचुएशंस में अगर आप किसी को बोल रहे हो कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, सो वो उनकी असलियत नहीं है सर। असलियत किसी की क्या होती है वो आपको रियल जिंदगी में पता चलती है, वहां पर नहीं पता चलती, बिकॉज दो सिचुएशंस आर क्रिएटेड। क्रिएट करने के बाद में आप किसी को भी, मैं आपको चार दिन भूखा रखूँ, आप जो मुझे इतना प्यार से बात कर रहे हो सकता है यही जूता उतार के मारोगे मुझे। एक आखिरी सवाल सर, आपको अगर न्योता आता है बिग बॉस का, आप जाना पसंद करेंगे? मैं कहूँगा नहीं जी, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत खुशी खुशी काम करूंगा लेकिन अभिनय का काम करूंगा। ये वाले रियलिटी, मैं रियलिटी शो से मना नहीं कर रहा हूँ, कोई और तरह का रियलिटी शो होगा मैं वो जरूर करूंगा, ये वाला रियलिटी शो नहीं करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, लुक हाँ वो शूटिंग फॉर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स सो I could not afford to, एक ही जगह मैं कर पाया, इसलिए मैंने बोला था वो लुक रखने का। या आपके अलावा ना और बहुत सारे लोग, 10 और चीजें कर रहा हूँ, तो मतलब आई वुड लव टू यू पे मी फॉर द होल ईयर, आई विल कीप दैट लुक। नो यस, रेडी, चले चले, करें। ऑलराइट अमन जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन जी सर, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका क्या किरदार यहां पर होने वाला है एंड आज का क्या कुछ सीक्वेंस आप शूट कर। आई थिंक सबसे पहले तो दो तीन वेब सीरीज ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट कुछ अलग करने की जो चाहत थी उस चक्कर में ये जो प्रोजेक्ट है, जब मुझे ऑफर हुआ था, आई थिंक सबसे पहले विशाल जी से मेरी बात हुई थी, देन आई गॉट इन टच विद डीजी फ्लेक्स एंड फिर निशान जी से मुलाकात हुई, जान पहचान बढ़ी। एंड वेल, एक ऐसा कैरेक्टर जो एब्सोल्युटली क्लीन है, प्रॉपर है और थरो बिजनेसमैन है, लेकिन अपने बिजनेस के सामने किसी भी इंसान को कुछ नहीं समझता है ऐसा नहीं है। सो इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है, और जिस किसी के साथ भी पेश आता है इंसानियत के नाते, मोहब्बत के नाते, जैसे कि हर इंसान को ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली जो इंसान आपसे नीचे होते हैं ओहदे में, कद में, रेपुटेशन में, उम्र में, तो उनके साथ अच्छी पेशकश। एंड और कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हैं, तो कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट इतना कहूँगा कि मेरे एज के हिसाब से जो कैरेक्टर है वो मुझे मिला है। और कमाल की बात यह है कि रुकूँ या बोलूँ? जी, सो वेब सीरीज़ का जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो अभी खुल रहे हैं, दिख रहे हैं और नज़र आ रहे हैं, रियल स्टाइल ऑफ एक्टिंग या समथिंग जो लोग वाकई ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जो वाकई ज़िंदगी में होता है, चाहे वो बातचीत में गाली हो या थोड़ा सा सेक्सुअल प्रेफरेंस हो या जो असलियत जो हम ज़्यादातर टेलीविज़न पर दिखा नहीं पाते हैं। टेलीविज़न में वो एक रोज़ी पिक्चर है, दिस इज़ मोर ऑफ रियल लाइफ।
मेरे उम्र के हिसाब से कैरेक्टर बहुत कमाल का है, खूब है, बिजनेसमैन है, स्ट्रांग है, अकलमंद है, गुड लुकिंग है, डैशिंग है, अपने आप को फिट रखा है, और उसका एक रिलेशनशिप एक लड़की के साथ होता है एंड देन किसी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है एंड देन द स्टोरी स्टार्ट्स की क्या वजह है उस लड़की की मौत कैसे हुई और कैसे हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट लुक होने वाला है आपका इस फिल्म में। अभी भी विशाल जी ने कहा कि आपको हम इस लुक में देखना चाहते हैं, तो आई नो आप ढेर सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हां थोड़ा सा लुक के बारे में बताइए जो काफी सस्पेंस। वेल लुक एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है जिसमें वो लुक आजमाया जाएगा या कोशिश की जाएगी। फिलहाल इसमें इनको एक यंग लुकिंग डैशिंग बिजनेसमैन चाहिए था जो तकरीबन 45 की उम्र का हो और दिखने में अच्छा हो, तो उनको लगा कि शायद मेरे से बेहतर कोई हो नहीं सकता और मुझे भी लगा कि मेरे से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। सो आपको भी लगता है, चलिए आई एम श्योर सबको यहाँ लगता होगा, बट समथिंग डिफरेंट एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो रियल लाइफ में जिस तरह से हम लोग इमोट करते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो यहाँ पे बखूबी दिखाने की कोशिश की जा रही है। सर, इस रोल में आपको चैलेंजिंग क्या लगा? आई थिंक पहले तो द फैक्ट इज कि ये पहली बार है कि मेरा जो रिलेशनशिप है एक ऐसी लड़की के साथ हो रहा है जो मेरे से 25 या 27 साल छोटी है, तो उस तरह की चीज़ को इमोट करना, उसे दिखाना, एंड दिस इज समथिंग दैट यू आर नॉट यूज्ड टू। नॉर्मली क्या होता है एज एन एक्टर, आपके जो को स्टार होते हैं उसकी उम्र आपसे 5 साल 7 साल 10 साल ऊपर नीचे होती है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट हियर टू बी हैविंग एन अफेयर विद समबडी हु कुड बी ओल्ड इनफ टू बी योर डॉटर, नाउ दैट इज समथिंग, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिनिस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ understanding and it requires a man with a very big and a huge heart. So it has its pros and cons. Of course, you know, when you are growing older and you get somebody younger to fall in love with you, so wo kisi bhi aadmi ya kisi aurat ke liye bhi bahut badi baat hoti hai. So it's been a difficult role, but I'm trying to put in my best. The role ki baat kare, kafi sare aap bhi jis pe pure Hindustan ki nazre lagi hui thi ek Sushant Singh mamle ko, usme bhi ek aham kirdar nibha rahe hain aap, ईडी ऑफिसर का, तो क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक वो भी फिल्म मुझे मिली एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं एंड अब वो उनका एक नज़रिया है कहानी दिखाने का, सो आई एम श्योर कि वो कहानी अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, उनको क्या लगता है कि जो सच है। आई एम प्लेइंग एन ऑफिसर एंड बहुत सारी सच्चाई इस ऑफिसर के थ्रू वहाँ पर सामने आती है। डिजिफ्लिक्स टीवी में अभी हम लोग जो लॉन्चिंग कर रहे हैं वो अप्रैल में लॉन्च कर रहे हैं इसको पूरे को ओटीटी प्लेटफॉर्म को, और इसमें एक जो डिफरेंट वर्जन है डिजिटॉक, ये अभी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। ये बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसमें लोग अपने वीडियोस बना के शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, और साथ के साथ सिंगल एप्लीकेशन में इसमें डिजी मूवीज भी है। तो एक सिंगल ऐप में दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, एक तो शॉर्ट वीडियो ऐप और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी हम दे रहे हैं लोगों को कि आप अपने शॉर्ट वीडियोज ऐप में वीडियोज डालिए, हम लोग उसको देखेंगे, और हमारी जो वेब सीरीज है उसमें हम उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। तो ये एक एंटरटेनमेंट प्लस अपॉर्चुनिटी ऐप है जो कि अप्रैल तक काफी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ लॉन्च होगा, तो अप्रैल तक हम लोगों को इंतजार करना होगा कि सारा कंटेंट एक बार हम लोग इसमें इंस्टॉल कर लें और तब से इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम करें। सेम आई थिंक मेन चीज कमाल की यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंटेंट ड्रिवन होता है, बट जो 2-3 प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे मेरे इनके साथ बात हुई है, the content or the story has been very very powerful. तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि कंटेंट के हिसाब से ये अपने प्रोजेक्ट को बनाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आप लोग कैसे उसे पसंद करते हैं वो आगे देखा जाएगा। अमन जी, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की बातें हो रही हैं, जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगने की बातें हो रही हैं, हाँ, उनके
शूटिंग में भी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर दो मिनट में एक हवाई जहाज आ जाता है, तो हमें अपना इमोशन रोक के रखना पड़ता है। सर वो तो हम भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म में जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट चैनल्स में देखा है कि जहाँ पे ये लोग एडल्ट सीन्स डाल रहे हैं, गालियां डाल रहे हैं, सारी चीजें डाल रहे हैं, तो इसमें बट ऑब्वियसली सेंसरशिप तो लगनी ही चाहिए। और मेरा ये मानना है क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं अभी, जिस टाइप का कंटेंट और जिस सारी चीजें बना रहे हैं, तो इसमें हम कोई इनकॉर्पोरेट चीजें नहीं कर रहे हैं कि इसमें जबरदस्ती हमने कोई चीज इसमें फोर्सफुली डाली। जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है वही चीज हम इसमें कर रहे हैं, कोई एडिशनल कि ओटीटी है इस वजह से हम ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं है। ये हमारा अगर इसका प्रोजेक्शन अगर हम इसको नॉर्मल टीवी में भी टेलीकास्ट करें तो भी कंटेंट ड्रिवन है, आप एंटरटेनमेंट इसको एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो इसमें कोई फोर्सफुल कंटेंट नहीं डाला जाएगा जो आपको ऑब्जेक्शन हो कि आप सबके साथ देखें। मेरा जरा सोचने का नजरिया बहुत ही अलग है। मैं ये मानता हूँ कि हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए, और कुछ लोग जो एक पोजिशन में हैं उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि वो पूरे देश को बताएं कि वो क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। सो वी हैव पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी हैव पीपल हु थिंक इन अ डिफरेंट वे, और अगर मुझे गालियों वाला शो चाहिए तो मैं वो देख सकता हूँ, अगर मुझे सेक्सुअल कंटेंट वाला शो चाहिए मुझे वो भी मिलना चाहिए, अगर मुझे क्लीन देखना है वो भी होना चाहिए। सो आई फील हमारे देश में सेंसरशिप का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही वेग है, कभी मन करता है तो बहुत सारी चीज़ सेंसर बोर्ड के अंदर आ जाती हैं। एंड इफ़ यू रिमेम्बर, अगर आप देखेंगे 60s और 70s की बहुत सारी फिल्में हैं राज कपूर जी की, वो अगर आप वो फिल्में देखेंगे आज वो फिल्में बनी नहीं सकती हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 35-30 years बैक। सो सेंसरशिप इन इंडिया इज़ वेरी वेरी वेग अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई डोंट थिंक सो अ बंच ऑफ पीपल शुड टेल द होल कंट्री व्हाट दे कैन वॉच। यू डोंट वॉन्ट टू वॉच इट, स्विच इट ऑफ, बात खत्म। अमन जी बिग बॉस देखते हैं आप? भाई मैं तो उसका हिस्सा भी था। अभी देखते हैं, अभी 14 की अगर बात करें। हाँ थोड़ा बहुत मैंने देखा है जी। सर इस बार आपको क्या लगता है कौन ट्रॉफी लेकर जाएगा? I suppose मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं है कि मैं ये टिप्पणी कर सकूं, बट आप अगर कुछ नाम बताएंगे मुझे तो। रुबीना और राहुल वैद्य जो बहुत अच्छा खेले हैं दोनों में। आई फील देखिए टेलीविजन इज बेसिकली फॉर वुमेन, तो मेरे हिसाब से रुबीना इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज बहुत सारी वुमेन कंटेस्टेंट्स हैं जो जीत के गई हैं और उनकी पर्सनैलिटी कम्स अक्रॉस एज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई फील बिटवीन राहुल वैद्य एंड रुबीना, आई फील रुबीना शुड विन। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत सारी चेंजिंग हो गई अभी आपके टाइम से अभी। ये वो तो अभी 5-6 साल पहले की बात है, बट आई थिंक इट वॉज समथिंग जो मुझे करना था। मैं देखना चाह रहा था कि मैं एक ऐसे शो में सर्वाइव करूँगा, बल्कि उससे भी एक स्ट्रॉन्ग शो था इस जंगल से मुझे बचाओ, तो उसमें मैं 3 महीने सरवाइव करके आया हूँ, तो मेरे लिए बिग बॉस वाज नॉट नथिंग एट ऑल। दोबारा आपको इनवाइट आता तो आप एक्सेप्ट करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा, अगर डेट्स होंगी तो चलेगा, अगर निशान जी मुझे अलाओ करेंगे तो मैं चला जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक मेरे और इनके बीच में अभी ये बातचीत हो रही है कि बैक टू बैक इनके साथ हम शोज करने वाले। कौन अच्छा खेल रहा था आपके? थोड़े बहुत देखा होगा जब भी आपने देखा सर। किसका? 14 जो बिग बॉस है इसमें सबसे अच्छा कौन खेल रहा था आपकी नजर में अभी वाला? हाँ। नहीं मैंने बोला ना मैं इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो अगर आपने दो नाम लिए तो उन दोनों में मैं कहूंगा कि रुबीना। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके जी, नॉर्मल जो कहानियाँ होती हैं, हीरो होता है, हीरोइन होती है और फिर एंड में लव स्टोरी होती है, ये वैसी कहानी नहीं है। एक लड़की की कहानी है जो एक आती है मुंबई शहर एक्ट्रेस बनने, और उसके सपने हैं जो उसको पूरे करने हैं। बहुत हिट होती है उसकी पहली फिल्म, सुपरस्टार बनती है, और फिर उसका एक डाउनफॉल है, और अलग अलग जर्नीज है उसकी कैरेक्टर की। थैंक यू सर।
तो ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, वो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा, बट शी हैज़ बिन थ्रू अ लॉट और बहुत डिफरेंट शेड्स दिखेंगे आपको इस लड़की के, इसके कैरेक्टर के बहुत डिफरेंट शेड्स दिखेंगे. और बेसिक कैरेक्टर जो है शी इज़ वेरी इनोसेंट फ्रॉम हार्ट, और ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, दैट्स इट आई कैन टेल यू. आज का क्या सीक्वेंस शूट होने वाला है या शूट हुआ, अगर आज का क्या सीन है अगर आपको बता सकें? जी आज के सीक्वेंस में उसको बहुत बड़ी फिल्म ऑफर हुई है और वो बहुत खुश है और वो सेलिब्रेट कर रही है उस मोमेंट को, और दैट्स ऑल. हाल ही में आपके साथ में भी हमने सुना किसका नाम आप पूछ रहे हैं? जी देखिए, जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट था. मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, और बहुत बुरा वक्त था जो निकल गया है, और case is going on and I just hope I will get the justice. But मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुंबई पुलिस ने, उर्मिला जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया and they are there for me always, और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि मैं मुंबई में सेफ हूँ. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन वर्क एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू डू गुड वर्क. अब हमारा जो है सब रियूनियन हो रहा है, जैसा अमन जी है उन्होंने साथ में काम किया और दोस्त लोग जुड़े हुए, विशाल जी पुराने पहचान के, स्टोरी हमें बहुत पसंद आई जो हम चाहते थे कि उस प्रकार के हम वेब सीरीज प्रोड्यूस करें. हमने और एक प्रोड्यूस कर चुके हैं, अब तक एयर पे नहीं आई है, इस वाज हॉरर कॉमेडी. ये अलग टाइप की वेब सीरीज है जो कॉल्ड बाकी लोग करते हैं, हम वो नहीं करते. हम चाहते हैं कि हम क्लीन कंटेंट प्रोड्यूस करें जो फैमिली घर पे बैठ के देख सके. क्योंकि क्या होता है, हम भी फैमिली से आते हैं, हमें भी फैमिली वाइफ मम्मी डैडी सब लोग देखते हैं, तो हम भी ये चाह रहे थे कि इसी टाइप की हो, तो उस टाइप का नहीं है. हमें बहुत खुशी है, राज जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, डायरेक्ट कर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, शूटिंग एंजॉय कर रहे हैं. मालवी जी हमारे साथ जुड़ गई है, हमें लग रही था शायद यहाँ बोलेगी क्योंकि शी इज रिकवर्ड फ्रॉम द इंसिडेंट, बट शी अग्रीड, शी लाइक द कॉन्सेप्ट, शी लाइक द कैरेक्टर. सेम अमन जी को हम जानते 2001 से जब वो टीवी करते थे, तब से हम जानते. तो इट्स लाइक फन, वी आर एंजॉयिंग, नया प्रोडक्शन हाउस है, नई चीज़ें हैं, आते वक्त बहुत सारी वेब सीरीज आपको हमारी तरफ से प्रोड्यूस की भी अच्छी दिखी दिखने के लिए. सर ये वेब सीरीज के कितने सीजन होने वाले? सी अभी तो सीजन 1 है, क्या उसमें व्यूअर्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, अगेन ही इज अ राइटर, सो इनके दिमाग में कुछ थॉट है, अगर वो सीजन 2 सीजन 3 जो भी होगा डिपेंड्स ऑन व्यूअर्स. कोई भी वेब सीरीज सीजन होती डिपेंड्स ऑन यू कितनी हिट हुई है, कितने लोगों को पसंद आई. इसके सीजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जो कैरेक्टर है उसमें आप 10 सीजन भी कम करो तो कम है. बट इट डिपेंड्स कि कैसा व्यूअरशिप आती है, क्या है, लॉन्च होने के बाद तो पता चलेगा. देन सीजन 2 सीजन 3 कर लेंगे. सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अगर आप बता सकते हैं. इन्होंने बोल दिया वही कहूँ. प्रोड्यूसर है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिम्मेदारियाँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोड्यूस करना मतलब कोई इजी बात होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है ना. जैसे अभी आप खुद ही देख रहे हो, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रोड्यूसर को स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब जब तक डिलीवरी वो करता नहीं है और उसके वो पैसे आते नहीं है तब तक उसी की जिम्मेदारी होती है ना. तो बहुत मतलब भारी भरकम जॉब होती है और सबको एडजस्ट करके लेना पड़ता है, संभाल के लेना पड़ता है ताकि चीजें कहीं हेवायर नहीं हो जाए. सब तो वो तो इम्पोर्टेंट है. और हंसी किसी जो चीजें निकल जाए वो बहुत बेटर रहती है ना, जिससे पता ही नहीं चलता कि हम मतलब ये 12-15 दिन हम शूट कर रहे हैं वो कैसे हंसते खेलते निकल जाए और एक रिलेशन अच्छा बना रहे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो उसी हिसाब से चलते हैं. राज जी, क्योंकि आपसे बात ही हमने की बातें की तो कैप्टन ऑफ शिप है, अगर आप बता सके.
बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्शन का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, इतने सारे लोग जब सेट पर होते हैं तो डायरेक्शन करना कितना टफ होता है आपके लिए, कितना इजी होता है आपके लिए? देखिए डायरेक्शन करना वैसे तो ओवरऑल टफ होता है, लेकिन जब अच्छे एक्टर्स मिल जाए, अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, जो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है सब फुलफिल हो रही है, तो डायरेक्शन एक पॉइंट पे आके आसान हो जाता है, क्योंकि सारे एक्टर्स अपने अपने कैरेक्टर समझ जाते हैं किसको क्या करना है। तो वो शुरू का एक दो दिन का स्ट्रगल होता है सबको उस कैरेक्टर में ढालने का, उसके बाद वो सबको समझ में आ जाता है क्या करना है कैसे करना है। तो एक ओवरऑल जो गाइडेंस रहता है वो रहता है, बाकी क्या ब्यूटीफुल फ्रेम बनेगा, कैसा बनेगा, मैं हो गया, हमारे डीओपी हैं शानू, हम लोग मिलकर करते हैं। मालवी जी, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी एक एक्टर हैं, जो रियल लाइफ में कर रही हैं, वहाँ भी एक एक्टिंग एक्टर का किरदार करेंगे, किसी से इंस्पायर्ड हैं आप रियल लाइफ में, किसी एक्टर से, फीमेल एक्टर से जिनकी आप बहुत देखते हैं? हाँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ मधुबाला जी से, मैं इंस्पायर्ड हूँ मीना कुमारी जी से, और बहुत बहुत अच्छी अदाकारा वो रह चुकी है अपने वक्त की, और वो बहुत अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ बहुत अच्छी शायरा भी थी, तो उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने लिखना भी शुरू किया, मैं शायरी भी लिखती हूँ, और मुझे दे आर लाइक माई रोल मॉडल्स। कुछ आपने नया लिखा इन दिनों लॉकडाउन में, पैंडेमिक में, कुछ आपने ऐसा नया कुछ लिखा? हाँ, कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। सो जब लॉकडाउन का वक्त चल रहा था तो मैंने एक गज़ल लिखी थी, वो कोरोना से रिलेटेड थी, तो उसका एक शेर मैं आपको सुनाती हूँ। इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, आशिक से अब तो दूर ही माशूक खड़ा है। महबूब से मांग ले कोई गलती से बोसा, बोसा कहते हैं किसको, महबूब से मांग ले कोई गलती से बोसा, बदले में उसने थप्पड़ एक मुंह पे जड़ा है। इसके अलावा मालवी जी, कितना कितनी एक्साइटेड होती है आप जब भी आपकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, आप हैं, हम लोग हैं, देखिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को हंसी खेलते हुए और बहुत मज़े में लोगे तो आपका बहुत आसान हो जाता है काम करना, और आपको टीम अच्छी मिलती है, डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और बहुत मज़ा आ रहा है, और स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट ये मेरे माइंड को बहुत रिफ्रेश कर रहा है, मैं इन चीज़ों को भूलती जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था, तो बहुत मज़ा आ रहा है, और ये जो एक्साइटमेंट है शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आसान नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी। एक आखिरी सवाल, जो आपने जैसे कि बताया कि आपके साथ में जो इंसिडेंट हुआ, रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो मुंबई जैसे शहर में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, हाँ जी, हर कोई एक्टिव नहीं, जी जी मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमारी बॉलीवुड जिसको हिंदी सिनेमा भी कहा जाता है, इस इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छे हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो बाहर से उठ के कुछ 10-15% लोग आ जाते हैं, जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, एक्टर्स के साथ, उन लोगों से बच के रहें, और बी केयरफुल जिससे आप मिल रहे हो या आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, किसी से भी, जस्ट वेरीफाई दोज पीपल अगेन एंड अगेन, एंड एक्टर्स का स्ट्रगल तो देखिए लॉन्ग लास्टिंग है, आपको नहीं पता आपको कब काम मिलेगा, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी बोर मत होना, कभी भी हारना मत, क्योंकि जिस दिन आप हार गए तो आपने मतलब छोड़ दिया, उस चीज़ से गिव अप कर दिया, आपको नहीं पता कि आपका टाइम कब बदलने वाला है, सो लगे रहो, काम करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, और एक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, तो अपने ऊपर काम कीजिए, मोनोलॉग्स प्रिपेयर कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सो ऑल दीज थिंग्स आर गुड, और ऑडिशन प्रोसेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर लर्निंग।
लास्टली डिजीफ्लिक्स के साथ में एसोसिएशन जी कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस OTT प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रही हूँ जो कि एक साथ दो चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं, पहला एक डिजी टॉक और दूसरा डिजी फ्लिक्स। आप एक साथ यू कैन शो योर टैलेंट, यू कैन शोकेस योर क्रिएटिव स्टफ थ्रू डिजी टॉक, और साथ में आपको एक बहुत अच्छा बहुत अच्छी कॉन्टेंट आपको मिलने वाले हैं डिजी फ्लिक्स के थ्रू, और बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स ये लोग लेके आ रहे हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम एसोसिएटेड विद डीजी फ्लिक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट विक्रम जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन डीजी फ्लिक्स के साथ जुड़ने का एसोसिएशन एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और पहला काम है इनके साथ, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, और काफ़ी सारे अच्छे को एक्टर्स हैं, अमन सर, तरुण सर, मालवी, सो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक। सो जीशा, अगर आप आपका कैरेक्टर किरदार क्या कुछ होने वाला अगर आप बता सकें। तो आपको तो ऐसा पता ही है कि जीशा जो है वो एक्चुअली एक लड़की की कहानी है, बट इसमें जो राजीव वर्मा एक कैरेक्टर है जो अमन सर प्ले कर रहे हैं, मैं उनका बेटा प्ले कर रहा हूँ रोहन वर्मा, और रोहन वर्मा जो एक कैरेक्टर है बड़ा सिंपल स्वीट सा बंदा है, और एक्चुअली मॉम है नहीं इसकी, तो जो भी है इसके लिए डैड है, पूरी प्रायोरिटी डैड है। सो वो जो एक कनेक्शन है डैड और सन का वो देखने मिलेगा आपको। आज का क्या सीक्वेंस शूट होने वाला है, आपका क्या कुछ सीन आज फिल्म आएगा? आज हम सीन करने वाले हैं जिसमें राजीव वर्मा, दिव्या जो कैरेक्टर मालवी प्ले कर रही हैं, उनके बीच का रिलेशन मुझे पता चलेगा पहली बार, और उसमें जो मेरा रिएक्शन है वो सब हम आज शो करेंगे। और 2021 जी हाँ, तो अभी एक प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही है, इट्स अ वेब, सो होपफुली फाइनली क्रैक होगा एंड आपको बताया जाएगा। अमन वर्मा है, तरुण है, मालवी जी है, तो कैसा रहा सभी के साथ का शूटिंग का एक्सपीरियंस, या अगर अभी नहीं हुआ है शूटिंग सभी के साथ में तो कितने एक्साइटेड हैं सभी के साथ शूट के लिए? सभी के साथ शूट किया मैंने अभी तक तो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है, हर एक सीन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जहाँ कुछ सही होता है वो अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ कुछ गलत होता है वो गाइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीनियर्स के साथ काम करें और आपको सीखने मिलता है, तो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस ले पाए इन सब चीज़ों से आपके लिए अच्छा है। सो मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि हाँ आज सीनियर्स के साथ काम करूँ। थैंक यू।